इसने ओपन किया हुआ है। पूरी कोशिश करूंगा पास जाके उसकी वीडियो बनाने। तो अब हम जा रहे हैं बाइक से थोड़ा बहुत घूमने, इधर उधर एक्सप्लोर करने, थोड़ा बहुत जो मैंने शूट नहीं किया हुआ थोड़ा बहुत ही शूट किया हुआ है। ये हमारे थोड़े दूर का सीन है और ये रहा सरकारी स्कूल जिसमें फ्री में पढ़ाया जाता है, जिसमें हर चीज़ पैसा मैटर नहीं करता, वो बच्चे की क्वालिटी के ऊपर होता है, बच्चा कैसा है। हर जगह पैसा मैटर नहीं करता, समझ रहे हैं ना मेरी भावनाओं को, समझिए लोग। वाटर लुकिंग नेचर यार, क्या ग्रीनरी है, अरे क्या वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं। अभी चलते हैं उस साइड, एकदम तगड़ी जगहों पे। थोड़े बहुत आपको उधर अमरूद दिख रहे होंगे, तो भी अमरूद की बगिया चलेंगे, थोड़ा बहुत उधर घूमेंगे। आलू का खेत उधर पूरा, तो उधर आलू का खेत है। और ये आम का पेड़ जिसमें बोर लगा हुआ है, वो भी है, उसमें भी बोर लगा है। और उधर भी है सामने, वो देखिए उसमें भी बोर लगा हुआ है। और उधर वो शायद सहतूत है क्या, जो बड़ा सा सहतूत का पेड़ है। और ये देखिए इसमें भी, उधर वाले में भी बोर लगा है, इसमें छोटे वाले में बहुत थोड़ा सा लगा हुआ है। और एकदम स्ट्रेट जाके आपको उधर दिखेगा करौंदे का पेड़, बाकी उधर मटर का खेत है, तो उसमें आपको पिकॉक्स दिखेंगे, मोर बहुत सारे। एकदम स्ट्रेट देखिए वो रहा, उसमें भी आपको दिखेंगे बोर आम के। इस बार तो अच्छे खासे बोर लगे हुए, कुछ उस तरफ भी हैं, मतलब बाग के पीछे भी है, तो उधर भी आम के पेड़ है, उधर बेचेगा से लगे। चलेंगे अभी थोड़ी देर में। मुँह धुल्लू सो के उठा हुआ हूँ दोपहर के समय, शक्ल थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, इसलिए मैं शक्ल अपनी शो नहीं कर रहा। मुँह धुल के फिर नीचे चलेंगे, तब दिखाते हैं अच्छे से। ये इसमें पूरा गंदा पड़ा हुआ है, तो पूरा वो उधर, क्योंकि उधर फर्श बनने वाली है, उस एरिया में फर्श बनने वाली है, इसलिए पूरा गंदा पड़ा हुआ था। और उधर बूसी जल रही है, धान का जो निकलता है मेन वो है, अभी भी जल के ख़त्म हुआ है थोड़ी देर पहले। बाकी वो ट्राली खड़ी हुई है, उधर चलता हूँ आपको दिखाता हूँ मैं। इधर ट्रैक्टर खड़ा हुआ है पुराना वाला, ये है एशर का, ये देखिए सबसे पुराना ब्रांड एशर, आयशर का है, सॉरी एशर बोल रहा हूँ, आयशर ब्रांड का ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, जो बहुत मतलब ये रेगुलर तो यही यूज़ होता है। अंदर भी खड़ा हुआ है बड़ा वाला, वो तो बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है ट्रॉली दस लेके जाने के लिए, कि बड़े वाले के लिए ट्रॉली अभी है नहीं, इसलिए। क्या तगड़ा सीन लग रहा है, भाग गया। तो अभी चलते हैं अपन बगिया घूमने, थोड़ा बहुत देखते हैं। बड़े दिन बाद आए, एक तो गांव में ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता, एक तो कंटेंट बहुत होता है, लेकिन क्या बताएं मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का। चलते हैं आगे, अमरूद की बगिया, थोड़ा बहुत अमरूद लेते हैं, तब उधर घूमेंगे, थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करेंगे बस। फिर चल के वापस इलाहाबाद चल कर आराम से ऐश में घूमेंगे इधर से उधर। सोच रहा हूँ वीकली में डालूँ ज़्यादा अच्छा, वीकली वाला। मेरा शायद गेहूँ ऐसा, हाँ ये गेहूँ है, इतनी बड़ी हो गई इसकी बाली। और ये आलू लगा हुआ है, इसका इतना मोटा इधर से लेके इधर तक, इसके बीच में आलू है, फिर दूसरा पैच बना हुआ है, तीसरा चौथा ऐसे बना हुआ है पैच, इस पर चढ़ेंगे नहीं अपन। अमरूद पूरा खाली है, थोड़ा बहुत होगा अमरूद, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ये पुराने पेड़ जो गिरते रहते हैं। और उधर है पिकॉक, आई होप आपको दिख रहा होगा। पिकॉक peacock, 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 peacock। गेहूं के खेत में हो रहा है एक और आम का पेड़, मतलब अच्छे खासे आम के पेड़ हैं, बाकी बड़े वाले दो उधर हैं। मेन पेड़ तो उधर है, बड़े बड़े वाले। ये रहे बड़े वाले पेड़, कुछ ये हैं, एक है, दो है, और एक वो तो महुआ का पेड़ है, चर्च के सामने वाला। एक ये बड़ा सा, और उधर उसके अंदर शायद वो लगा हुआ है सरसों, बीच में वो देखिए, बीच में बड़े बड़े हैं ना जो, वो शायद सरसों हैं। और क्या ही प्यारे तोते इधर अमरूद की बगिया में आपको दिखेंगे दिखेंगे, इनका रहना कंपलसरी होता है। ये हो गए चमगादड़ हो गए, एंड अनेदर गेहूं का खेत एंड आलू, फिर जस्ट बगल में आलू है, फिर गेहूं का है। और वॉट अ ब्यूटीफुल सनसेट, कितना तगड़ा सनसेट हो रहा है ब्रो। का टाइम लैप बनाने का, लेकिन अपन के पास क्या बोलते हैं वो यार, गोरिल्ला पॉड नहीं है, तो अपन इधर ही रख देते, टाइम लैप बनता रहता। टाइम लैप भी कहीं कभी डालना चाहिए। किधर सांड से बचने के लिए क्या तगड़ा जुगाड़ किया गया इधर पूरा, मतलब एक तो लोहे का ये भी लाया गया, उसके ऊपर ये भी लाया गया, ताकि कोई सांड दस उधर जम ना कर जाए। जो अच्छा खासा फिट सांड होगा दस उधर जम कर जाएगा, तो उसको और ज़्यादा फिट होना पड़ेगा इसको डांकने के लिए, इसलिए इसको बनाया गया। इधर इधर किसी और का है, उधर किसी और का, इसलिए इधर ज़्यादा सेफ्टी, इधर कम सेफ्टी है। कि अपने अपने को उधर जाने का है, कम से कम 10 होगा, 10 मीटर होगा, 10-12, 10-15 मीटर, और अंदर जाने का अपन को। और ये अगेन और अगेन क्या बोलते हैं, इसमें मधुमक्खी बहुत लगती हैं। उधर तालाब का पूरा वो चल रहा है, उधर जाने का मन नहीं है, अभी बहुत दूर है। बाकी सनसेट उस पेड़ के पीछे छुप गया है, हमें अच्छे से नहीं दिखेगा, उस पेड़ के पीछे छुप गया है, हमें अच्छे से अभी दिखने नहीं वाला। और हो रहे थोड़े बहुत सांड एक साथ बैठे हुए हैं, अच्छे खासे सांड है, दिखाता हूं उधर से, अच्छे खासे सांड है, हम पूरे फुल जोश में। ये सब 5-6 खासा फिट होते हैं, इनको ये होता नहीं है रेड बुल का शो, उन सब में लोगों को स्पॉन्सर करना चाहिए। क्या वर्ड से नहीं आया है, वर्ड लड़खड़ा रहे बड़े दिन में, बोलो इन सबको स्पॉन्सर क्या यार, स्पॉन्सर करना चाहिए इन सारे लोगों को। ये इतने सारे फिट हैं क्या बताएं। उधर पिकॉक जा रहा है उन सबसे पंगे लेने के लिए, वो रहा जा रहा हूँ सबसे पंगे लेने के लिए, वापस चला गया। थोड़ा मैं फेस अच्छा नहीं आ रहा कैमरे, पता नहीं क्या हो गया कैमरे को, थोड़ा जस्टिस नहीं कर पा रहा है फेस में, इसलिए मैंने सोचा फेस थोड़ा कम दिखाएंगे ब्लॉग में। ज़्यादा ब्लॉग तो करना नहीं है अपन को, थोड़ा बहुत ही करना है। चलते घर भी आ गया बस। थोड़ी ही देर के बाद पूरे साढ़ की मंडली इधर ही जमा हो गई, अपन को पूरा देखने को मिला। इधर पूरा एक साइड अच्छी खासी है, अपन के पास जाएं तो फिर इनके सर के ऊपर बैठे हैं देख सकते हैं, इनका इलाका बना हुआ है। और उसके आगे गढ़ही बोलते हैं उसको हिंदी में, तो वो बना हुआ है, अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। और उधर ढेर सारी पिकॉक्स और थोड़ा बहुत उधर जो अनकम्प्लीट हुआ है जो अगले सीज़न का वेट कर रहे हैं अगला चीज़ लगाने के लिए। और उधर पूरा आके आपको दिखेगा पूरा सरसों का जो अच्छा खासा बना हुआ है, सरसों का खेती हो रही इधर भी अच्छी खासी। और ये पेड़ बेचारे झड़े हुए, और इधर तो गर्मी भी अच्छी खासी हो गई। इधर घूम घाम के नज़र नीलों पे जा रही है। पकड़ लग दिस और तू एक काम कर चल। हेलो गाइस, चालू में देखा ही ढक गिरता है। हां देखा ही ढक गिरता है। आप क्या कर रहे हो? देखा नहीं तो आगे तो देते हैं। कहीं दिखा जोन करेगा है।